हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी से कर रही हूँ। बारिश जो है बहुत ज़ोरों से आ रही है। हमने जो है कणक बाहर सूखने के लिए रखी हुई थी, क्योंकि बाद में हम इसकी थ्रेशिंग करने वाले थे। जब तक हमने ये सोचा ही था, खाना पीना खा के जो है दोपहर के टाइम थोड़े बेले हुए थे, उतने में जो है बारिश आ गई बहुत ज़ोरों से, और फिर कुछ खेत की तरफ को भागे। मैं और रिया जो है घर में ही इस गेहूं को जो है इकट्ठे करने लग गए, क्योंकि बादल जो है ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे और बारिश की थोड़ी थोड़ी बूंदें जो है आनी शुरू हो चुकी थी और हवा वगैरह बहुत लगी हुई थी। तो फिर हम दोनों ने जो है ये आंगन की जो है गेहूं इकट्ठे की पहले, और फिर उसके बाद में इसको बरांडे में जो है स्टोर करके रखा। हमारे जो है बारिश के टाइम फसलों का ऐसे ही हालत होती है, कभी बाहर निकालो इसको सूखने के लिए तो कभी अंदर उठाओ इसको, बार बार ऐसे ही करना पड़ता है। जब हमारी गेहूं की फसल पक के हम इसको थ्रेशिंग के लिए रेडी करते हैं तो इसका ऐसे ही रहता है। तो हम दोनों ने फटाफट से जो है पहले इकट्ठे कर ली और फिर उसके बाद में जो है बरांडे में रख दिया इसको। फटाफट से कर रहे थे दोनों ही, और थोड़े जो दाने इकट्ठे किए हैं वो तप्पड़ पे रखे हुए, जो बोरी से बनाया हुआ होता है हमने, तो उसके ऊपर रखे हुए थे। जितने में हम लोगों ने जो है सारी कनक जो है इकट्ठे कर ली, उतने में जो है बारिश भी आ गई, और जब हम झाड़ू देने लगे तो उतने में बारिश की बूंदें जो है ज़ोर ज़ोर से पड़नी भी स्टार्ट हो गई। अपनी तरफ से तो हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे, लेकिन बारिश तो इतनी हमसे भी तेज़ थी कि वो जल्दी ही आ गई और हमारा काम जो है इतना जल्दी नहीं हो पाया। थोड़ा जो है हमारी गेहूं जो है भीग भी गई। एक तो मुझे टांग की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे से जो है जल्दी जल्दी चला भी नहीं जाता है, तो टांग की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है मेरे को। तो फिर हमने ये देखिए बरांडे में जो है अपने घर के स्टोर करके रख दी है, और ये नीचे देख रही थी क्योंकि खेतों में जो है इसके पापा और मोहित जो हमने सुबह के टाइम पे काटी हुई थी उसको जो है साइड में रख रहे थे, जल्दी जल्दी में ये भी रख रहे थे, और इसके नीचे जो है इसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी थे, और नीचे वाले खेत में पंडो वाले इसके बड़े पापा थे, तो इकट्ठे कर रहे थे। इन्होंने तो खेत में ही रखी, लेकिन हमने खेत में नहीं रखी क्योंकि अभी जो है बारिश 11 तारीख तक बताई हुई है, तो हमने शेड के अंदर ही डाल दी। तो फिर मैं लगी थी झाड़ू से दानों को इकट्ठे करने, मेरी टांग की वजह से मैं जल्दी जल्दी नहीं कर पाती हूँ, तो फिर बारिश की बूंदें भी लग गई थी थोड़ी थोड़ी, और तप्पड़ जो है तरपाल हमने रखा था परे इसके ऊपर, और फिर मोहित के पापा जो है जल्दबाजी में आ गए थे और उन्होंने मेरे हाथ से जो है झाड़ू ले लिया कि तेरे से जल्दी जल्दी नहीं होता है, तू इसको जो है इसके अंदर डाल दे सूप के अंदर, इसको हम सूप बोलते हैं, सूप के अंदर दानों को डाल, झाड़ू मैं खुद ही लगा लूँगा। तो फिर आ गए थे मोहित के पापा, ए आ गए वो, तरपाल वगैरह इन्होंने गेहूँ के ऊपर डाल दिया फिर, और फिर इन्होंने झाड़ू मेरे हाथ से ले लिया, बोला तेरे से जल्दी जल्दी नहीं मुड़ा जाता है तो मैं खुद ही दे दूँगा, तो दानों को इकट्ठे कर, क्योंकि इतने में जो है बारिश लग चुकी थी, थोड़ी थोड़ी बारिश लगी थी, बड़े बड़े बूंदे आ रही थी, तो फटाफट से कर रहे थे। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में,